हेलो, गुड मॉर्निंग आप सबों का मेरे झारखंड के इंडो टेरिस गार्डन में मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज 17 में है और सवेरे के लगभग 8 बज गए हैं। मैं अपने गार्डन में आज का अपडेट देने के लिए आ गई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं 2 दिन का अपडेट दूंगी और आज मैं फिर से हार्वेस्ट करने वाली हूँ। चलिए, आज 16 में का यह अपडेट है। सवेरे के लगभग 7 बज गए हैं, मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ। रात में बहुत ही ज़ोरों से हवा तूफान आई और पानी भी बरसा, तो मैं आज सवेरे कुछ हार्वेस्ट है तो इसलिए आई हूँ और थोड़े से गार्डन को साफ सफाई की। जितने भी पौधे वगैरह मेरे गार्डन में सब पूरे गिर गए थे और जितने भी सूखे पत्ती वगैरह थे सभी को हमने साफ सफाई किया। और देखिए मेरे बैंगन के पौधे, और इस बैंगन के देखिए बारिश आने से ही हो जाता है, जितने भी मट्टी ये पूरे पत्ते में ऐसे हो जाते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, इसे धो देती हूँ ताकि इसे बढ़ने में दिक्कत ना हो। और चलिए, कुछ हार्वेस्ट है। अच्छा, उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, मैंने जो देखिए तुराई लगाई थी जो गुच्छे आकार में होता है, केवल मेरे 5 बीज में केवल 3 ही बीज ग्रोथ किया। यहाँ का तो दोनों ही ग्रोथ किया है। यहाँ देखिए पानी भी जमा हुआ है, झाड़ू नहीं की। और देखिए यहाँ पर का अभी एक ही है, दूसरा ग्रोथ नहीं किया। और जो मैं लगाई थी देखिए यहाँ पर, तो मैं सोच रही थी यह वही बीज होगा, लेकिन ये नहीं है बीज, ये खरपतवार है जो कुछ पौधा है। मुझे लगता है 2 बीज मेरे नहीं ग्रोथ किए। और चलिए साथ ही साथ मैं हार्वेस्ट दिखाती हूँ। कुछ कुंदरू है, अभी अभी शुरू हुआ है। एक दिन पहले मैं 2 तोड़ी थी, उसके बाद आज देखती हूँ कितने निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए कल ही के वीडियो में मैंने दिखाया था मेरे जैसे प्याज के साग को ऐसे मुर्गी ने ख़राब कर दिया था, लेकिन आज देखिए कितने हरे भरे से हैं। लेकिन आज मैं हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सब्जी है मेरे पास। देखिए यह प्याज को मैं दोबारा से लगा के देखती हूँ अगर ग्रोथ करेगा तो। जड़ तो दिख रहे हैं, जितने हो सकेगा जल्दी मैं इसका हार्वेस्ट करूंगी क्योंकि अभी सीजन गर्मी का है और थोड़े से अच्छे होंगे तो मैं इसे हार्वेस्ट करके सब्जी बना लूंगी। और देखिए वहाँ कितने अच्छे से मेरा जो लाल साग है वह भी निकल रहा है। मुझे फरसबिन लगाना है, मैंने नहीं लगाया है अभी तक समय नहीं मिलने के कारण। और देखिए मेरे टमाटर, वही पुराने टमाटर है लेकिन अभी तक फ्लावरिंग तो हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण फ्रूट बनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए वैसे तो पीले होकर नहीं झड़ रहे हैं देखिए, लेकिन अभी तक फ्रूट नहीं बना है। देखिए यहाँ पर शायद बनेगा, तो पीले तो नहीं दिख रहे हैं। जो बीमारी होता है जो पीला होकर फूल झड़ता है वैसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और देखिए उस साइड का भी टमाटर दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ मट्टी भर के रखी थी और पूरे के पूरे बोल के पलट गया है, इतने ज़ोरों से हवा चली थी। लेकिन पौधों को तो उतना खास नुकसान नहीं हुआ है। और देखिए मेरे धनिया, मैं खाद लगाई उसके बाद में हरे हरे से कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने बीज तो बहुत सारे लगाए थे लेकिन कम ही निकले थे, जो है वही अभी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। मुझे इन मटियों को सुखाना है लेकिन मैं अभी तक सुखा नहीं पाई हूँ। और देखिए यहाँ मेरे टमाटर के पौधे जो मैं पहले धूप एरिया में रखी थी, गर्मी है इसलिए मैंने इसे शेडी एरिया में रखा है। इसके भी फ्रूट अभी उतने तो नहीं दिख रहे हैं, देखिए कुछ कुछ तो है, यह ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी मेरे गार्डन में टमाटर कम है और वैसे तो कुछ कुछ निकल ही जाते हैं, आप हार्वेस्ट में देखते होंगे। चलिए अब दिखाती हूँ मेरे लोबिये, कुछ कुछ देखिए यहाँ पर बड़े हो गए हैं, इसे आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ।
इसके अभी जैसे नीचे नीचे में भी बहुत से फ्लावरिंग फ्लोटिंग हो रही है, देखिए देखिए छोटे छोटा सा, लेकिन रेड माइंट बार बार अटैक कर रहा है इसलिए फ्रूट बन रहे हैं वह ठीक से नहीं बन रहा है। मैं देखती हूँ और थोड़े दिन फिर इसे हटाकर दोबारा से लगा दूंगी, क्योंकि मैंने नया प्लांट सामने ही लगाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ का जो टमाटर का प्लांट है वहाँ शायद एक पका हुआ दिख रहा है, इसे भी तोड़ लेते हैं। और उस साइड में एक प्लांट है उसमें भी कुछ पके हुए हैं, देखिए यहाँ का प्लांट में कुछ पका हुआ है, इसे भी तोड़ लेते हैं। और मैं आप सबों को जो पुई का जो भाजी लगाई थी उसे मैंने नहीं दिखाया है, बीज किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं देखिए यहाँ पर है। इसमें देखिए यह जो चुलाई भी निकल आया है, ये देखिए यहाँ पर है, ज़्यादा तो मुझे शायद दो गड्ढे में ग्रोथ नहीं किया, मैं इसमें 6 गड्ढे बनाकर लगाई थी, केवल 4 में ही ग्रोथ किया है। मैं इसमें दोबारा से बीज लगाई थी लेकिन अभी तक ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं। तो मैं जब भाजी चुलाई को उस साइड का हार्वेस्ट करूंगी तो साथ ही साथ इन सबको भी हार्वेस्ट करके खाद वगैरह अच्छी तरह से लगा दूंगी। देखिए तो मेरे इस पुई में भी पानी की, मैं पहले पानी ज़्यादा दे दे रही थी और वहाँ के जो 2 प्लांट थे वहाँ के पौधे ग्रोथ नहीं किए, फिर मैं बिल्कुल ही इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत है तो मैं दिन में भी 1 दिन के बाद ही डालती हूँ, वो भी सूखने के बाद में भी पौधा बिल्कुल हरा भरा सा ही रहता है, सरफेस एरिया जब सूख जाता है तब भी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अभी तो बरसात के पानी से ऐसे हो गया है, मेरे 2 दिन तक इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब कुछ मेरे टेढ़े आकार का लोबिया भी फला हुआ है, पहले तो मैं दिखाती हूँ, देखिए इसे भी मैं तोड़ सोच रही हूँ और थोड़ी दिन देखूंगी क्योंकि अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं इसलिए, और उखाड़ के दोबारा से लगाऊंगी। देखिए चलिए अब तोड़ते हैं, उसके बाद आपको कितने हार्वेस्ट होते हैं। और देखिए साथ ही साथ ककड़ी भी मेरे तैयार हो गए हैं, दिख रहा होगा, देखिए मुझे यहाँ पर 3-4 है, सभी को तोड़ दूंगी। चलिए अब मेरे बैंगन हार्वेस्ट करते हैं, कुछ कुछ है मेरे प्लांट में। चलिए फ्रेंड्स हार्वेस्ट करके दिखाते हैं आपको, चलिए आज की हार्वेस्ट दिखाती हूँ। 4 ककड़ी है, शायद ये ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा था, बुढ़े तो नहीं हो गए हैं, देखिए 4 ककड़ी है और 4 ही बैंगन है, देखिए 4 बैंगन है और देखिए कुछ लॉन्ग बीन्स है और कुछ छोटे जो ना टेढ़े वाले कुछ लोबिए, कुछ करेले तो मैं कल ही हार्वेस्ट की थी और कुछ कुंदरू और देखिए 4 टमाटर। मैं इस भाजी साग है इसके आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं।
बारिश के कारण इतने हरे भरे हो गए हैं। इसमें देखिए फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। फ्लावर्स आने से पहले ही हमें इसे हार्वेस्ट करना है, वही अच्छा रहता है। इसे मैं पूरा नहीं उखाड़ूंगी, यहाँ का तो मैं केवल ऐसे ही तोड़ दूंगी। और इसे जैसे छोटे छोटे से इस तरह से बच जाते हैं, वे दोबारा से बढ़ेंगे तो मुझे और भी भाजी मिल जाएगी। इसे जैसे कि अच्छा यही रहता है कि इसे हम जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करें, ताकि इसमें और दोबारा से अच्छी तरह से इनके नए नए डालियां निकलने लगे। ओके फ्रेंड्स, हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ आप सबों को कितने होते हैं। चलिए देखिए, वहां से मैंने ये देखिए इतना सा तोड़ा है, बड़े टोकरे है इसमें तोड़ी हूँ। और देखिए यहाँ का भी इस साइड का उखाड़ दूंगी, और इधर में जो मुझे नहीं निकले हैं पुई के भाजी, यहाँ से मैं लगाई थी तो यहाँ से ग्रोथ नहीं किए हैं, तो यहाँ इस साइड का मैं छोड़ दूंगी और इधर का केवल उखाड़ दूंगी, क्योंकि मेरे पुई जो लगाई हूँ उसे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और अभी तो नहीं, अभी बाद में मैं इसमें खाद वगैरह अच्छी तरह से डाल दूंगी। देखिए पानी तो मैं नहीं डालूंगी अभी, क्योंकि पानी डालने से बिल्कुल गल जाता है पौधा पुई का। देखिए इस तरह से मैंने तोड़ दिया है, यहाँ पर डंडी डंडी छोड़ दी हूँ पर से तोड़ के। दो दिन में इसके अपडेट दिखाऊंगी। और देखिए यहाँ मेरे टोटल 5 पुई के प्लांट है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।